आई एम राहुल कक्कड़, मैं फिरोजपुर पंजाब से हूँ। मेरा इमिग्रेशन का बिजनेस है फिरोजपुर में, वे हेड इमिग्रेशन के नाम से, उधम सिंह चौक पे। मेरा 2016 में रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसके अंदर मेरी दोनों लेग्स चली गई, एम्पुटेटेड हो गई और मैंने प्रोसेसेस लगवाई। उसके बाद महीने दर महीने मेरा वजन बढ़ता गया क्योंकि सिटिंग जॉब है, और आज की डेट में मेरा वजन 120 किलो हो गया। मैं पिछले 3 साल से डॉक्टर अमित सूद से काउंसलिंग ले रहा था। आज 15 दिन हो गए हैं। 6 दिसंबर 2022 को मेरा ऑपरेशन हुआ था। टुडे इज 21st of December। अभी तक मेरा तकरीबन 7-8 किलो वजन कम हो चुका है। मैंने 2018 में देर इज अ प्रोडक्ट हर्बल लाइफ, वो भी खाई, नो डाउट 15 किलो वजन कम किया उससे, बट अगेन इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। मैंने तकरीबन 50,000 के वो प्रोडक्ट खाए। 3 महीनों में मैंने 15 से 20 किलो वजन कम कर दिया। जब छोड़ा तो मेरा वजन 1 से 1.5 महीने में 40 किलो बढ़ गया था। मैं 80 पे था जब प्रोडक्ट खाए, 65-70 के अप्रॉक्स आ गया था, 85 होगा, और उसके बाद सीधा 110 और 115 पे आ गया। उसके बाद सिटिंग जॉब के कारण बढ़ता गया, जिम कर नहीं सकता, सैर कर नहीं सकता, जॉगिंग कर नहीं सकता। जिम इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज कि जो एम्पुटेशन वाला मेरा अमृतसर वाला हॉस्पिटल था, उसने मेरी पूरी पूरी पीठ कट करके 54 स्टिचेस है, तो ये हाथ से ज़्यादा वो करो तो वो स्टिचेस पेन करते हैं, इसलिए जिम नहीं हो सकती। जॉगिंग और सैर इसलिए ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि दोनों लेग्स नकली हैं, वेट उसके ऊपर डला हुआ है। डॉक्टर ने मुझे 10 साल का टाइम दिया था 2020 कि राहुल जी अगर इस हिसाब से वेट आपका बढ़ता रहा तो हम आने वाले टाइम में 10 साल बाद बेड पे होंगे, चल नहीं पाओगे आप इन लेग्स, या तो आपको एक और एम्पुटेशन करानी पड़ेगी, अभी नीज आपकी अपनी है, फिर नीज भी काट के हम सीधा थाइस पे ले आएंगे और नीज भी हम आर्टिफिशियल ले लेंगे। दूसरी चीज, ऑलरेडी 9 ऑपरेशन कराए हुए थे। हर ऑपरेशन के बाद ये था कि भाई जिस वक्त जब मेरे को बेहोशी से उठूंगा तब यार पेन भी होएगी, वॉमिटिंग्स भी आएंगी, सारी चीज़ें पुराने वाली याद थी क्योंकि इससे पहले कोई सर्जरी हुई नहीं थी। बट जब ये सर्जरी हुई ऐसा कुछ हुआ नहीं, पेन मतलब बाकी उनकी जगह 0.5% भी नहीं थी, 99.5% कोई पेन नहीं, वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं हुई। अभी जैसे 7-8 किलो वजन कम हो चुका है 15 दिन में, इस हिसाब से मैं 6 महीने में आ जाऊंगा अपने डिजायर्ड वेट पे। डॉक्टर अमित सूद से 3 साल से रेगुलर काउंसलिंग ले के अब उनसे मेरा एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशन हो गया था कि जब वो फिरोजपुर आते थे ना, मैं उनको बोलता था यार मिलना है, तू आ जा या मैं आ जाता हूँ तेरे यार ग्रीन टी पीने, तो इस हिसाब से सीन हो गया। इतना को मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार ठीक है पैसे दे रहा हूँ, ठीक नहीं होगा तो ख़राब तो नहीं होगा, नो डाउट, इतना कॉन्फिडेंस था। तो अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है 15 दिन में। तो फीडबैक्स लिए, मेरे फ्रेंड्स ने भी यहाँ से करवाया हुआ था जिनको मैं नहीं जानता, 20-30 किलोमीटर दूर फिरोजपुर से मेरे को पता चला वो बंदे ने भी कराया है, और उस बंदे से भी जाके पूछा कि भाई आपको कितना साल हो गया, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, तो उनसे भी फीडबैक लिया, वो कहते हैं यार बिल्कुल ओके है। उन्होंने तो इनफैक्ट अराउंड 100 kg कम किया था, मेरे को तो फिर 50 करना था। सबने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, कोई भी नेगेटिव नहीं। गूगल बहुत बारी किया तो गूगल अंकल ने भी सब कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, और कईयों ने कराया हुआ था कहीं और से, गंगानगर से करवाया हुआ था एक दो ने, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक दिया जी हमारे फलां फलां रिश्तेदार ने कराया था जी गंगानगर से, वो बंदे का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैंने एक भी नेगेटिव फीडबैक डॉक्टर अमित सूद का नहीं सुना, मेरे को नॉट इवन सिंगल फीडबैक। मैंने अगर 8 पेशेंट से बात करी है डॉक्टर अमित सूद के, 8 में से 8 ने मेरे को पॉजिटिव दिया, 1 ने भी नेगेटिव नहीं दिया था। और अगर मैंने 10 बंदों से बायोट्रिक सर्जरी की बात करी तो मेरे को बायोट्रिक सर्जरी के लिए भी जिन्होंने डॉक्टर अमित सूद से कराया था उन्होंने पॉजिटिव दिया, जिन्होंने बाकियों से कराया था उन्होंने सबने नेगेटिव ही दिया, या बेकार ऑपरेशन। मैं तो ये कहूँगा कि भाई कराओ, अच्छा है, लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी। मेरा पिछले 6 महीने से बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, आई एम 38 राइट नाउ, 1 साल ही हो गया इनफैक्ट, मेरे को अल्टरनेट डे पे बीपी की गोली खानी पड़ती थी एमगार्डेटी, और आज की डेट में मेरे को 8 तारीख से अभी तक मैंने एक बार भी बीपी की गोली नहीं खाई। 8 तारीख को मैं यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था, 8 तारीख से आज 21 तारीख हो गई, मैंने अभी तक एक बार भी बीपी की गोली नहीं खाई, बीपी हाई भी नहीं हुआ। वरना क्या होता था कि आईज में दर्द हो रही है, फोरहेड पेन हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ।
चार दिन मैंने बेड रेस्ट किया है। 8th को मैं यहाँ से डिस्चार्ज होके गया था और 12 से मैं वर्किंग चालू करती थी। 12 से आज 21 तारीख मैं एक दिन भी बैठा नहीं ऑफिस, टूरिंग ही चल रही है मेरी। स्टिचेस आज खुले हैं, स्टिचेस में भी कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में बस बेसिकली ये है कि भाई जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया रहा। अगेन आपको जब बेहोश किया होता है और जब आपको रिकवरी रूम में लाते हैं वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब जैसे मेरी सर्जरी 6th को हुई, 7th को एक सर्जरी हुई थी जो पर्सन अराउंड मेरी एज के थे और कनाडा से आए हुए, मैंने उनको खुद देखा है, वो सर्जरी के 2-3 घंटे बाद चल रहे थे। 6th अर्ली मॉर्निंग मेरा ऑपरेशन हुआ था। जो स्टाफ का यहाँ का जो जितना नर्सिंग स्टाफ एडमिन स्टाफ जो इनकी केयरिंग थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। इनफैक्ट किचन की भी, मतलब जो मेरे साथ अटेंडेंट था मेरा ब्रदर, उसके लिए भी इनकी केयर सेम थी पेशेंट की तरह कि सर तुसी रोटी खा ली, सर रोटी और चाहिए, खाना ला दें, ये ला दें, वो ला दें। मतलब ऐसा सच नहीं था कि आप कोई हॉस्पिटल में बैठे हो, इट्स अ कि भाई आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ आए हुए हो और वो केयर कर। इट्स अ वेरी गुड थिंग और थैंक्स अ लॉट कि भाई डॉक्टर अमित सूद हमारे नियर बाय हैं और हम जल्दी जल्दी ऑपरेशन करा के ठीक हो पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।